الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم। मुस्लिम ख़वातीन और सीरत सहाबा इस उन्वान से कुछ बातें आपके सामने बताते हैं। इससे पहले के दर्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, अल्लाह के नबी का नाम क्या है, आपकी औलाद का नाम, आपकी बीवियों का नाम, उसका सब जिक्र हुआ। तो किताबें आप वो कौन सी हैं जो पढ़ सकते हैं? एक तो है आपके पास अर-रहीफ़ुल मख्तूम, ये तो अहले हदीस आलिम की लिखी हुई, इसलिए वो पढ़ लेते हैं। उसके अलावा रहमतुल लिल आलमीन की किताब है काजी मोहम्मद सलमान मंसूर पुरी की, तकरीबन दो जिल्दों में, उर्दू ही में वो काजी मोहम्मद सलमान मंसूर पुरी, ये दो किताबें हैं। इस तरह एक छोटी किताब है रहमत आलम, देखें हैं हमारे रसूल, देखें छोटी हमारे रसूल से अच्छी है, रहमत आलम उससे अच्छी है। लिखने वाले अगर अगरचे हनफी आलिम दीन हैं मगर वो किताब माशाल्लाह उम्मत के हर तबके में मकबूल है, हर एक पढ़ सकते हैं। छोटी है रहमत आलम मौलाना सुलेमान नदवी की, ये होगी। और ये सीरत की जो किताब होती है उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो सीरत नबवी महदी रिज़क़ुल्लाह की किताब है, महदी रिज़क़ुल्लाह, ये किताब भी दो जिल्दों में है, 600 सफ़ात की, वो भी पढ़ सकते हैं। ख़वातीन के लिए, सबके लिए वो किताब अच्छी है, अपने घर में होना चाहिए किताबें, वो सी किताबें घर में होना, उस पर एक लेक्चर हो सकता है। बहरहाल हमें सीरत साहब आपको बताते हैं। साहबी किसे बोलते हैं? जिन्होंने हालत इस्लाम में नबी को देखा हो और उसी मतलब हालत में उनकी वफात भी हुई हो, उसे बोलते हैं साहबी। अगर हम उनको ये शर्त निकाल दिए हालत इस्लाम में उनकी वफात हुई हो, क्यों बोले तो बाज़ ऐसे वाक़यात पेश आए कि उन्होंने हालत इस्लाम में तो नबी को देखा मगर वहाँ बाज़ मुर्तद हो गए, दीन को छोड़ दिया, इसलिए वो तशरीह लाए। जिन्होंने हालत इस्लाम में नबी को देखा हो और उसी पर उनकी वफात हुई हो, अगरचे उनको कितनी मुख्तसर मुद्दत ही क्यों ना हुई हो, मुख्तसर बोले तो एक मिनट, एक सेकेंड, बस नबी को देख ले काफ़ी है, उसे बोलते सहाबा और सहाबियात। तदाद कितनी थी? बाद लोग बोलते हैं 1,20,000, लेकिन हकीकत अल्लाह को मालूम है। वो अल्लाह के नबी ने जो हज किया था ना, उस वक्त आपके सामने एक बड़ी बड़ी जमात थी, खुतबे हज्जतुल वदा बोलते हैं उसे। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत से लोग थे, सहाबा थे। तो सहाबिया साबित कितने थे नहीं मालूम, शुरू में कम थे लेकिन बाद में वो मतलब कैसे हुआ, एकदम समंदर की तरह वो मतलब तरक्की होती गई और उसमें माशाल्लाह इतने थे। ये सीरत सहाबा जो है ना, ये मुसलमान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये जैसे खुदसन ये तरबियत करने वालों के लिए है, बहुत अच्छी है। जैसे मैं बताया था सीरत सहाबा के बारे में, सीरत रसूल के बारे में, सहाबा की सीरत पे ऐसी अच्छा मुझे तजुर्बा है। अगर मैं तकरीर में, खुतबे में, लेक्चर में, दुनिया में हज़ारों मिसालें दूँ, सहाबा सहाबियत की मिसाल देते ही माशाल्लाह लोग जो है बगौर सुनने करते सुनने लगते, जैसे बोले मतलब सामने वाले के कान खड़े हो जाते हैं, एक तरह का शौक़ पैदा होता है, ऐसा है। और ये लिखिए, सहाबा ऐसी जमात है जो किसी नबी के हिस्से में नहीं आ सकी। क्या मतलब है किसी भी नबी के हिस्से में नहीं आ सके? मतलब ऐसे किसी नबी को नहीं मिला, ऐसे थे सहाबा इकराम, समझ रहे हैं आप लोग ने? सहाबा ऐसी जमात है जो किसी नबी के हिस्से में नहीं आ सके। इब्ने तैमिया रहिमुल्लाह कहते हैं हज़रत सहाबा इकराम ऐसा गुरु है इससे पहले भी दुनिया वालों ने देखा नहीं और क़यामत तक पैदा भी नहीं होते। और सहाबा का दर्जा बोलने के लिए बात काफ़ी है कि अम्बिया के बाद दुनिया में सबसे अफजल अगर कोई जमात है तो वो सहाबा इकराम और सहाबियात हैं। ये ऐसा अच्छा, सहाबा की सीरत इतनी बेहतरीन है, हर एक सहाबी की सीरत को अगर हम देखें उससे हटकर कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला कई जगह तस्किरा फरमाया उनका। एक तो अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कभी तौरात में किया, तौरात किस पर उतरी? मूसा अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह अकबर, देखो सहाबा का जिक्र उसमें आया बोले तो, अब मैं अपनी बीवी का या अपने बाप का नाम लिया तो वीडियो अपलोड हो गए तो लोग कितना फ़ख्र करते, उसमें नीचे कमेंट में लिखते हैं, देखो पूरे लेक्चर में 18 मिनट 45 सेकंड में मेरे अब्बा का जिक्र हो गया है, वहाँ
خوش ہو جاتے. اللہ کے نبی کے صحابہ کا ذکر تورات میں ہونا بولے تو کتنی اہم بات ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا اور بنی اسرائیل کو بھی معلوم تھا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کس میں ہوا؟ انجیل میں بھی ہوا. یہ کہاں ہے؟ سورۃ الفتح میں ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. انجیل میں بھی ذکر ہے تو اور جو تورات میں بھی ذکر ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ بہت بڑی عظمت ہے یہ صحابہ اکرام کے. اچھا سیرت صحابہ ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ ہمیں چاہے تو سلیبس میں جو لوگ آتے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں, جس کو چاہے پڑھ سکتے ہیں. اور صحابہ کا نام ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. کہیں کیوں بولتے رضی اللہ عنہ؟ کیوں راضی ہوا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین سے راضی ہو گئے. سب سے آسان بات رضی اللہ عنہ بولنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین سے راضی ہو گئے. اللہ بھی کیا ہو گیا؟ ان سے بھی راضی. اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. اگر میں آپ لوگوں سے غصہ ہو گیا, اگر وہاں دیکھ کو پڑھاتا رہا تو آپ لوگ سنتے نہیں کیا کہ ہمارے سے غصہ ہو گئے ہیں. اس ٹیچر بھی غصہ ہوتا نا, ماں باپ بھی غصہ ہوتا نا, ویسا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا بولے تو یہ مطلب دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ توبہ میں کہا ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا مندی بہت بڑی دلیل ہے. اچھا یہ جو ہم پڑھتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کیا جواب دیتے ہیں آپ اذان میں؟ ہاں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا و محمد نبیا و رسولا. مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو گئے خدا ہونے کے اعتبار سے, نبی سے راضی ہو گئے نبی ہونے کے اعتبار سے, اور دین سے راضی ہو گئے وہ مطلب اسلام سے راضی ہو گئے دین کے اعتبار سے. تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ جب بولتے اس وقت پڑھنا ہے. وہ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس سے کیا ہو گئے صحابہ راضی ہو گئے, دین دیا دین سے راضی ہو گئے, رسول کو بھیجا رسول سے راضی ہو گئے, اسلام کو بھیجا اسلام سے راضی ہو گئے. اسی لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ پوری تاریخ میں بتاؤ صحابہ کی, ماشاء اللہ اللہ اور اس کے رسول پر جو بھی اترا, اللہ نے جو بھی اتارا, رسول نے جو بھی کہا, کبھی نو بولے کہیں بھی نہیں, بس بولے اللہ کے نبی بولے بس ختم ہو گیا. مائکرو سیکنڈ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے. ایک مثال کیسا, ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, اللہ کے نبی اندر ہیں. آپ نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کا مطلب یہ تھا کہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھنا. انہوں کیا کریں مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. تو یہ ہمارے میں صحابہ میں فرق کیا ہے بولے تو صحابہ اکرام ایسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے بس. اب دیکھو وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے اندر اتباع کا جذبہ ایسے تھا. شراب حرم ہوئی تو کیا حال تھا؟ پوری مدینے میں شراب گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگی. ایسا نہیں تھا نہیں آدھا بوٹل ہے میں پی لیتا ہوں, نہیں فریج میں رکھ کر اتنا پی لیتا ہوں, نہیں کہ ہمارے صاحب بچ پہ ہمارا تو وہ بولتے تھے چاہے نہیں ذرا پی لیتا ہوں بچا ہوا ہے دو دن کے بعد پی لیں گے. ویسا نہیں تھے صاحب اکرام, بس اللہ کے نبی بولے بولے. ایک مرتبہ وہ پالتو گدوں کا گوشت تھا, وہ غزوہ خیبر کے مخبر پک رہا تھا. اللہ کے نبی کیا کرے معلوم, جا کو ایسا بڑے بڑے دیگچے میں پک رہا تھا, دیگچی میں جا کے لکڑی سے الٹا ہے, سارے خاموش ہوئے کچھ بھی نہیں بولے. دیکھو کیسی اطاعت ہے صحابہ کی. نماز میں کھڑے ہیں سو, اب قبلہ ایسا ہے نا, پہلے قبلہ ویسے تھا بیت المقدس کی طرف. ابن عمر رضی اللہ عنہ بولتے نماز میں کھڑے تھے ویسا آج پلٹ گئے. اب حضرت کتنی مثالیں ہیں صحابہ کی جو اتباع ہے میں سمجھتا ہوں کسی میں نہیں آتی. وہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جوتے نکالنا معلوم ہے نا, جوتے نکال کر پھینک دل, صحابہ کیا کرے پھینک دل کیا, ہمیں جوتے ہی کرے بس. تو بعد میں اللہ کے نبی بولے کئی کو تمہیں جوتے نکالے یا رسول اللہ, آپ کو نکالتے ہوئے دیکھے اس لیے ہم نکالے. تو اللہ کے نبی نے کہا میرے جوتے میں گندگی تھی, جبرائیل اللہ کو بولے اس میں گندگی اس لیے نکالا. آپ بولے ہم ایسی تھی حضرات صحابہ اکرم کا مطلب اتباع. ان کی سیرت کے بارے میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کیا ہے, ان کا ایمان جو تھا نا معیاری ایمان تھا. اسی لیے میں آیت پڑھا شروع میں صحابہ کا جو ایمان تھا نا وہ معیاری ایمان, یعنی کیسا اسٹینڈرڈ ایمان بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہا ان کا ایمان ویسے تھا. اب بتا سکتے کوئی بھی صحابی مشرک تھے؟ کسی صحابی میں بدعت تھی؟ شروع سے لے کر آخر تک بھی اگر آپ دیکھ لو کہیں بھی ذرہ بھی جھول بھی نہیں آتا.
इतने ईमान में परफेक्ट। अल्लाह इसीलिए बोला अगर तुम सहाबा जैसा ईमान लाओगे तो तुम हिदायत पा जाओगे, अगर तुम सहाबा के रास्ते से हटोगे तो इख्तलाफ का शिकार हो जाओगे। आज मैं मेरा और आपका ईमान सहाबा जैसा है क्या? हमें तो छोटी छोटी चीज़ के लिए अपना ईमान भी बेच देते हैं। देखिए आज के नौजवान लड़के लड़कियों को गैर मुस्लिम लड़कियों से भाग जाने के वाकया, आज रजिस्टर क्या बोलते थे वो जो रजिस्टर्ड बोर्ड की जो शादियाँ होती हैं वो सब क्या है, ईमान की अगर पाकीज़गी होती तो जाके कभी वो गंदगी में नहीं पड़ते। हमें अपने और ये बात भी आप देखो तरतीब में, इससे पहले हम बताते शायद ये जो तरबियत में तरतीब होती है, सबसे पहले ईमान उसके बाद कुरान बोले थे, इससे पहले सबसे पहले ईमान बाद में क्या कुरान। हम लोग क्या कर रहे हैं कुरान पहले सिखा को बाद में ईमान सिखाते हैं, तरबियत नहीं होती है। समझ नहीं आप लोग सहाबा की तरबियत कैसी थी, पहले ईमान बाद में कुरान, ईमान में इजाफा होता था। हम लोग क्या करें उसे उल्टा कर डाले, पहले बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं मकतब में, उन क्या नहीं सिखाते ईमान नहीं सिखाते, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या सहाबा का ईमान क्या, मकतब में बच्चों क्या करना, ये सबसे पहले ईमान बताना चाहिए। 2001 की बात है, मैं तमिलनाडु के एक इलाके में नया फारिग हुआ था, मैं एक साल मस्जिद में इमाम रहा मदीना जाने से पहले। माशाल्लाह उनको मकतब में जो पढ़ाया मैं, वो बच्चे बच्चियाँ सब आती थी 10 साल की 12 साल की, तो उसमें क्या करता था 2-3 दिन मेरा मामूल यह था पढ़ा देता था, एक दिन आमोख्ता, एक दिन दुआएं, एक दिन वाकयात। मुझे अच्छी तरह याद है सहाबा अकराम के वाकयात बोले तो उस वक्त मेरा इल्म भी कम था, वो बच्चे भी बचपना था, शायद उसके बराबर था इल्म वो, कई बच्चों को देखता था मैं, बच्चों को सहाबा के वाकयात बोले तो बे अख्तियार आँखों से आंसू जाते रहते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह उनका वाकया बोला शहादत का, पूरी महफिल रोई थी उस वक्त। तो ये सहाबा इकराम के जो वाकयात हैं आप लोगों को बताता हूँ मैं, आप लोग अपने गाँवों में रहते हैं बच्चों को बच्चियों को उनके जहनों के दरीचे खोल के दरवाज़े खोल के उसके अंदर बिठाना। खाली अबू बकर नाम नहीं, अबू बकर के किरदार कौन, अबू बकर मरते दम तक, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के रास्ते कैसे पकड़ना बोले, इरबाज इब्न सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, आपने कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी अद्दू अलैहा बिन नवाजिज़। हदीस तर्जुमा देखो, अल्लाह के नबी कहा लोगो बिदत से बचो और मेरी सुन्नत को मेरे बाद सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। मेरे सहाबा कौन, कहा मेरे सहाबा वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का रोशन सितारा बनाया है। कैसे पकड़ना है देखिए, कहती भी चीज़ रहे तो दांत में कैसे पकड़ते, खोलने के वास्ते वैसा पकड़ो बोलता, अल्लाह के नहीं बोलते अब्दू अली हबिन नवाजिज़, दाड़ों में कैसे चीज़ को दबा के पकड़ते कि वैसा के सहाबा के रास्ते को दबा के पकड़ो। तो आज मैं समझता हूँ ये ख़वातीन के जहनों में गलत नमूने बैठे क्यों, कभी वो मतलब सीरियल में आने वाली औरत के बारे में गुफ्तगू करती है, कभी सहाबा के बारे में गुफ्तगू करती है, क्यों? इसलिए कि हमने बचपन ही से अपने बच्चों में सहाबा की मोहब्बत नहीं बिठाई। और ये बात भी लिखूँ मैं आपको बताता हूँ, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कहते हैं अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत वैसे सिखाना जैसे कुरान की कोई सूरत सिखाते हैं। अब बच्चे को बोलते हैं बेटे पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद, वैसे हमारे असलाफ क्या करते थे, काना सलफ़ु क्या हुआ, كان السلف يه يعلمون اولادهم حب ابي بكر وعمر كما يعلمهم سوره من القران। ये मालिक रहमतुल्लाह का कौले, वो कहते हैं कि सलफ अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत वैसे सिखाते थे जैसे अबू बकर मोहब्बत सिखाते थे, वैसे कुरान की सूरत सिखाते। बच्चे को बोलना ये बेटे याद रखो अबू बकर से मोहब्बत करना हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। हमारा ईमान कब मुकम्मल होता, जब हम नबी पर ईमान लाते और सहाबा को आइडियल बनाते, ये बात है। तो सहाबा से मोहब्बत रखना हमारे ईमान और अकीदे का एक हिस्सा है। अगर हम अपने सहाबा सहाबिया से मोहब्बत नहीं करें तो समझ जाओ हमारा ईमान क्या है, इनकम्प्लीट और नाफिस है, और गलत किस्म के नमूने आकर हमारे जहनों में बैठते हैं। वो बैठे तो क्या होता, नुकसान क्या होता मालूम है, सबसे अहम बात है। सर रज़ी अल्लाह अन्हु बोला सहाबा के बारे में, अल्लाह क्या बोला रज़ी अल्लाह अन्हु, तो मैं बोलता इस जुमले को रख करके अगर अल्लाह ताला की खुशनुदी और उसकी रजामंदी हासिल करना चाहते हैं तो सहाबा को तुम आइडियल बनाओ।
उनके नक्श कदम पर चलो, इनके सहाबा के फ़ायदा क्या होगा, जैसे अल्लाह तुम्हारे से जैसे अल्लाह सहाबा से राज़ी हुआ तुमसे भी राज़ी हो जाएगा। अगर तुम गलत किस्म के लोगों को नमूना बनाओगे तो क्या होगा, अल्लाह तबारक व ताला तुम पर भी नाराज़ और उन पर भी नाराज़ हो जाएगा। जैसे हम खिलाड़ियों को, फिल्मी सितारों को, गलत किस्म की औरतें होती हैं उनको नमूना बनाते हैं तो हमारी सोच सब बिगड़ जाती है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु एक कौल है, वो सहाबा के बारे में वो कहते हैं, हज़रत सहाबा इकराम वो हैं जिनको अल्लाह ने अपने दीन के लिए चुन लिया था। चुनिंदा कौन? सहाबा इकराम। और ये कौल ये भी है, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में देखा तो अल्लाह को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा दिल अगर किसी का लगा तो वो किसका था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। दुनिया में सबसे पाकीज़ा दिल किसका था? नबी का दिल। ऐसा तड़पता दिल, उसके बारे में बहुत खुद बदवाद है उसमें, बहुत पाकीज़ा दिल, दर्द से भरा हुआ, रहमत से भरा हुआ, जहन्नम की तरफ जाने वाले इंसानों को रोकने वाले, औरतों पर रहम करने वाले, चरिंद पर रहम करने वाले, वो दिल में तो रहमत इतना फूट फूट कर भरी हुई थी। मैं समझता हूँ वैसा दिल दुनिया में किसी को नहीं मिला। तो किसका दिल? दुनिया में सबसे पाकीज़ा दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अल्लाह ने यह भी देखा, नबी के बाद किसका दुनिया में पूरी मखलूक में अगर अच्छा दिल है तो वह सहाबा इकराम का है। तो सबसे अच्छा दिल अल्लाह का, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दिल माशाल्लाह इतना अच्छा था, उसमें अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी। अल्लाह ताला ने सहाबा को आपका माशाल्लाह वज़ीर बना के छोड़ दिया, आपके पूरे शागिर्द दिए। और आप लोग ये जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरबियत कैसे करें, एक एक में एक 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 सहाबी को लो उसमें देखें तो मतलब हर एक की सहाबी की ज़िंदगी में अलग अलग पैगाम है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करें, क्या हुआ? मेहनत करने से क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर मेहनत की, नतीजा क्या हुआ? अबू बकर समझते हैं, अबू बकर बोलने का मतलब ही क्या है, बकर बोले तो जल्दी करने वाला। अल्लाह के नबी ने उनके सामने इस्लाम पेश किया, इस्लाम कबूल करने में माशाल्लाह सबसे जल्दी करे होना, इसे बोलते अबू बकर। अच्छा, उन पर इस्लाम पेश करने का फ़ायदा क्या हुआ? माशाल्लाह उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कई अफराद पर मेहनत की। अल्लाह के नबी ऐसे अफराद को चुनते थे, अबू बकर मुसलमान हुए बोले तो माशाल्लाह अबू बकर जैसे कितने लोग मुसलमान हुए, नाम बोले तो उस्मान इब्न अफ़ान, हज़रत बिलाल, बिलाल को ख़रीदे ना, बिलाल को काले कलोटे बिलाल को ख़रीद के आज़ाद कर दिए, हो जाकर आगे माशाल्लाह मुअज्जिन रसूल बने। तो हज़रत उमर बोलते थे अबू बकर हमारे सरदार हैं, उन्होंने हमारे सरदार बिलाल को आज़ाद किया है, हालांकि काले कलोटे थे, उन्होंने फिर भी बोलते हमारे सरदार ही हैं। तो क्या बताना चाहता हूँ, अबू बकर का मतलब मुकाबला कोई कर सकते नहीं कर सकते। अबू बकर का ईमान ऐसे जन्नत की आठों दरवाज़ों से बुलाए जाओगे, बल्कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भी रात भर क़याम किया ना, अबू बकर के एक रात की बात भी नहीं कर सकता। यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ही है। और उमर बोलते ना पूरी ज़िंदगी नेकियों के मैदान में अबू बकर से मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, शुरू से लेकर आखिर तक, यहाँ तक के तबूक आखिरी जंग, उस जंग में आके मैं हार गया। अब मैं बोला नहीं भाई कोई नहीं कर सकती, अबू बकर मुकाबला कोई भी नहीं कर सकती। अबू बकर का ईमान वैसे मतलब उनकी ज़िंदगी वैसी। देखो क्या है, अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, हज़रत उमर तलवार निकाले, कौन तू भी बोले आए अल्लाह के नहीं मर तू गंदन मारो तू बोले। अबू बकर ने क्या किया, माशाल्लाह पूरे ईमान को एक आयत से संभाला, ओमा मोहम्मद इल्ला रसूल, आयत पढ़े ना, बोले देखो मोहम्मद दीगर रसूलों की तरह अल्लाह के पास जा चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते अबू बकर की ज़बानी ये आयत सुनकर मुझे लगा ये आयत अबूतरी है, और इस आयत को समझने में अबू बकर ने मेरी मदद की है। ऐसे थे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान भी मालूम है। बहरहाल हर एक के अंदर ये खूबी, अबू बकर दिल के नरम मुसल्ले पे खड़े हो गए तो अपने आप को बर्दाश्त करते नहीं। अल्लाह के नबी बोलते हैं बीमारी में जाओ अबू बकर को नमाज़ पढ़ाने दो, आयशा बोलते या रसूल अल्लाह अबू बकर तो इतना नरम दिल हैं, अगर आपकी जगह खड़े होकर नमाज़ पढ़ाए तो उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, वैसा रोते कुरान पढ़ के। हज़रत उमर का ईमान भी मालूम है, शैतान देखकर उनको अपना रास्ता बदल लेता था, उन्होंने जैसा सोचते वैसे कुरान की आयतें उतरती थी आसमान से। यह है अल्लाह के नबी ने कहा अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता,
और आपने कहा अल्लाह के नबी हिदायत के लिए दुआ कर रहे थे अबू जहल का नाम लेकर के और जो है हज़रत उमर का नाम लेकर के, अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम की माशाल्लाह दौलत से नवाजा था। और चार खलीफे हैं, अगर इसमें एक बात नोट करने की है, इसमें शुरू के दो खलीफा आपके ससुर और बाद के दो खलीफा आपके दामाद, चार में अबू बकर उमर आपके क्या लगते हैं, ससुर लगते हैं, खुसर बोलते हैं उसे, खैसिन रे ससरे बोलते ना वो, खुसर बोलते हैं उसे, और हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपके दामाद हैं, ये चारों में दो ससुर और दो दामाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो सहाबा की सीरत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और मैं आपको बताता हूँ, देखो अब्दुल्ला बिन मुबारक एक आदमी थे, अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े आलिम दीन, इन्हें हमेशा अकेले बैठे रहते हैं। अब दुनिया में अकेले बैठने वालों क्या समझती, दीवानी समझती क्या, ही ना खाली अकेले बैठ गए, वंटी बैठ गए मतलब बेंगलुरु में अकेले बैठ गए ना जाकर इन। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक अकेले बैठते हमेशा, लोग जाके बोलते क्या आप हमेशा अकेले बैठ रहे थे माशाल्लाह, क्या जवाब देते। देखो ये ऐसा जवाब है जो सोने के पानी से लिखने के लायक है। उन्होंने बोलते जिसके पास नबी और सहाबा की सीरत हो उसे वहशत कैसी अकेले बैठने में, जब मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे किसकी सीरत है, नबी की सीरत है, मेरे साथ सहाबा की सीरत है। और जो आदमी अकेला बैठा हो जिसके जहन में जिसके मतलब पढ़ते हुए वो नबी की सीरत पढ़ रहा हो सहाबा की सीरत पढ़ रहा, तो उसे वहशत कैसे महसूस होगी। तो हमें भी ऐसा ही, अगर आपको टेंशन आया, बेजार हो रहा है, दिल नहीं लग रहा है, क्या करना, सीरत किताब उठाना, पढ़ना शुरू करो, उसके बाद देखो आपके दिल को कैसे करार आता है। साहब अकरम की मिसाल वैसे भी परेशान रहता, टेंशन रहता, शौहर बीवी लड़ लेते, बच्चे ज़्यादा सतालते, क्या भी नहीं करना, दिल में उठा के एक साहबा की सीरत बस पढ़ ली, ख़त्म हो गया। नबी की सीरत पढ़ने से क्यों सुकून मिलता, उसकी वजह देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे लोगो अगर तुम्हारे ऊपर मुसीबत के पहाड़ टूटे तो मुझे याद करो, क्यों, इसलिए कि मेरे ऊपर जो मुसीबत आई वो सबसे बड़ी मुसीबत थी, लिहाजा तुमको जो मुसीबत है वो हल्की है, लिहाजा बड़ी मुसीबत को याद करने से छोटी मुसीबत हल्की हो जाती है। इस तरीके से मैं आपको नसीहत करता हूँ इस दर्स से, रमज़ान के इस मौके पर आपका कोई दिन ऐसा नहीं गुजरना जिस वक्त आपको इस सीरत ना पढ़ते हो सहाबा के, रसूलुल्लाह की सीरत भी पढ़ो सुबह शाम। मैं तो बोलता हूँ ऐसा रहना घर में अर रहे बल मखतूम पढ़े तो आपके शौहर आपके बच्चे बेटे बेटियाँ पूरे पढ़ना, जैसे पढ़ते नहीं फजाइल आमाल पढ़ो पूरे सुनते ना, वैसे सीरत पढ़ो, सहाबा की सीरत पढ़ो, सहाबियत की सीरत पढ़ो, अपने बच्चों को बच्चियों को बताओ देखो इन्हों वैसे थे इन्हों वैसे थे। माशाल्लाह गुनहगार लोगों को भी सहाबा की सीरत सुनाई ना माशाल्लाह, ये भटके हुए नौजवान लड़के लड़कियों को भी सीधी राह पर लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता सहाबा का, सहाबा की सीरत वैसे अट्रैक्शन है उसमें। तो उसमें क्या करना, हम सहाबा का ईमान जैसे पैदा करना अपने अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो पैदा करने की कोशिश करते लेकिन हम नाकाम हो जाते फिर छोड़ा होते हैं। और ये बात भी याद रखें आप, ईमान जो है ना अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो कपड़ों की तरह बोसीदा होता है, ज़्यादा कपड़े पहना तो क्या होता है वो मतलब कपड़ा पहन पहन के फट जाता, अल्लाह के नबी बोलते हैं जैसे कपड़ा बोसीदा होता है वैसे कपड़ा भी बोसीदा होता है। लिहाजा अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हारा ईमान में भी माशाल्लाह इजाफा करे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद अल्लाह दुआ करते थे अल्लाहुम्म ज़िदनी ईमानन व यकीनन व फिक्हन, ऐ अल्लाह तो मेरे दीन में मेरे ईमान में मेरी समझ में इजाफा कर, रब्बी ज़िदनी इल्मन, पढ़ता है वैसी दुआ है अल्लाहुम्म ज़िदनी ईमानन व फिक्हन व यकीना, ऐ अल्लाह तो मेरे ईमान में तो मेरे यकीन में और मेरे दीन की समझ में इजाफा करना। तो हमें सहाबा जैसा अकीदा तो अपना लिया मगर सहाबा जैसे अखलाक भी हमारे अंदर होना चाहिए। अपने आप को जो लोग सलफ़ी बोलते हैं उन्होंने खाली अकीदे के मसले में सहाबा को अड़ना सही नहीं है, वो क्या करना, हमें सहाबा के अखलाक भी पता करना। अखलाक कैसे सहाबा इकराम के, अल्लाहु अकबर, नबी के जो अखलाक थे वो पूरे किस में आए, सहाबा में आए, एक एक अखलाक देखते जाओ अल्लाहु अकबर। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्की दौर में बाहर जाते हैं, एक मक्के का काफिर सरदार आकर बोलता अबू बकर कहाँ जा रहे हो, तो उस वक्त अबू बकर ने कहा इब्नुद्दुगुल ना तुम्हें इतना सताते हम ना इतना टेंशन दे रहे हैं वो यहाँ इबारत करने से नहीं हो रहा, कहाँ तू भी बाहर जाओ मैं इबारत कर लेता हूँ। उस वक्त तुम्हें हाथ पकड़ लेता, तुम ना कौन निकलता यहाँ से, देख तुम अपने मर्ज़ी से भी नहीं जा सकते और कोई माई का लाल तो उनको मक्के से निकल भी नहीं सकता, वापस बुला लेगा को जियो तुम्हें मक्के में। तो क्या है मक्की दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, लोगों का दिल अखलाक से जीते, इस वक्त करने का सबसे बड़ा काम है। हम देखते हैं अपने आप को सलफ़ी और जो है तौहीद परस्त बोलने वाले सख्त हो जाते हैं,
ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتے، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ دیکھو آپ کو امین کہہ کر پکارتے، سچے گل کو پکارتے، آپ پر ایمان نہیں لائے مگر آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر تھے، آپ کے پاس امانتیں لا کے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کو اپنے بستر پر سلائے، نہ کہیں کو سلائے، دوسرے صحابی کو سلا سکتے تھے نا، نہیں وہ کہیں کو سلائے، علی کو کہیں کو سلائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا چہرہ بھی علی کا چہرہ ملتا جلتا تھا، ڈپلیکیٹ کسی کا سلائے سے وہاں۔ شیعہ تو ایسا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل کو علی کے پیر پہ تھا بھٹک کے وہاں چلے گئے، اس کے پاس غلط بات ہے نا، یہ غلط بات کیسے، اللہ تعالیٰ جبرائیل کے بولتا جبرائیل امین، انہوں خیانت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے خیانت، غلط بات ہے یہ جو بات بولے، بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ کو صلاح دلے، اللہ کی نبی سورہ یاسین پڑھ لے کو نکل گئے، نکلے تو کیا ہوا، تلوار پورے مینا کو پڑھ گئے جوانا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے، اللہ کے نبی بولتے صبح صبح کو جا تو کیا کرو، مکے میں اعلان کرو، جس نے بھی نبی کے پاس امانت رکھی ہے وہ علامت بتا کے لے لو۔ کیا کرتے ماشاء اللہ، دن بھر وہ کیا کرتے مکے گلیوں میں اعلان، مطلب اعلان کرتے، جا کر اعلان کر کر کو پوری امانت واپس کرنے کے بعد رات بھر چلتے، چل چل کر گئے سن، ماشاء اللہ علی رضی اللہ عنہ جو سفر کرے ہجرت کا، میں سمجھتا ہوں چل کر جاتے، دن بھر چھپ کر رہتے رات بھر چلتے، اس لیے کہ دن بھر دیکھے تو، مطلب دن کے تو دیکھ لیں گے نا اس واسطے۔ تو ہمارے پاس صحابہ کا ایمان ہونا، دوسرا صحابہ کے اخلاق ہونا، امت صحابہ کے اخلاق کو اگر اپنا لینا، ماشاءاللہ وہ دن آئیں گے جو صحابہ نے دنیا کو دیے تھے۔ کیا کیا اخلاق تھے صحابہ اکرام کے، دلوں کی پاکیزگی، نماز میں آگے، روزے میں آگے، زکوٰۃ میں آگے، حج میں آگے، کوئی، میں سمجھتا ہوں اخلاق جتنے صحابہ اکرام کے ماشاءاللہ اچھے تھے، وہ اخلاق تو کسی میں نہیں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے ویسے پوری کافی صحابہ اکرام۔ نماز میں بولو بس، نماز میں ہمیشہ آگے آگے رہتے، زکوٰۃ کا مسئلہ آتا، حج کا مسئلہ آتا، نبی کے ادب، نبی کے ساتھ تو ادب ایسا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے انا ابوا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان تغرب الاظافر، یہاں دیکھیے نبی کے گھر کو جا کے مارنا تو ناخن سے مارتے، ایسا ادب کرتے، ہمیں رہتو کھولو ہمیں چاہتے ہیں چورا نہیں، ہمیں دم مارتے ویسا نہیں، اللہ کے نبی کو۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ پوری زندگی میں حضرات صحابہ اکرام آپ کے سامنے نہیں چلے، ہمیشہ پیچھے، اللہ کے نبی جو بولے بس، اللہ کے نبی جو کرے وہ کرے، پانی نیچے نہیں چھوڑتے تھے، وضو کرے تو وہ پانی لگو پورا پی لیتے تھے، ویسے صحابہ اکرام۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرکات و سکنات پر، آپ کے اشاروں پر اپنے مطلب جانوں کو گنوا دینے والے ویسے تھے صحابہ اکرام۔ بہرحال بہت لمبی صفت ہے، عورت صحابہ صحابیت کس طرح سے فائدہ کیسے اٹھا سکتی ہے، سب سے پہلے صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو اور اللہ سے بولو اے اللہ تو نے صحابہ کو جیسا ایمان دیا وہ ایمان مجھے بھی دے تو۔ اس کے بعد صحابہ کے اخلاق ہمارے اندر ہونا، تیسری چیز ہے یہ صحابہ کے اندر نبی کی جو اتباع کا جذبہ تھا وہ ہمارے اندر بھی ہونا۔ اتباع کا جذبہ بولے تو کیا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے اتباع کا جذبہ بولے تو اللہ کے نبی نے جیسے کیا ویسے کرنا۔ ظہر میں نماز آہستہ ہوتی، ہمیں بھی آہستہ پڑھنا، جیسے ہوتی ویسے کرنا، سحری تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، نبی بولے اتباع کرو بول کے بس، کہیں کرے نہیں معلوم، اللہ کے نبی بولے وہ مکھی گرتی ہے تو ایک پر کے ذریعے اپنا اور ایک پر کو بچا لیتی، اللہ کے نبی نے فرمایا ڈبا کے اٹھاؤ، سائنس بولتے اسے پھینک ڈالو مکھی مار ڈالو، نبی ویسا نہیں کہتے، نبی جو بولے بس۔ اس طرح کے صحابہ کا اتباع جذبہ اور صحابہ کے اخلاق بھی ہونا، اور ایک بھی ہے صحابہ کے اندر جو عبادت کا جو ذوق و شوق تھا وہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمیں عقیدہ درست کر لیے بعد میں ایمان میں صحیح ہو گئے، عبادت میں اگر ان کی پرفیکٹ نہیں ہو تو اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے، ویسے نماز پڑھتے، انس رضی اللہ عنہ نبی کی نماز کی پوری کاپی، صحابہ بولتے ہیں انس کے پیچھے نماز پڑھ تو ویسے لگتا ہے گویا ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ذوق و شوق تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم بولے نا، اللہ کے نبی نے کہا ظہر سے پہلے چار، ظہر کے بعد چار رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ جہنم کیا کرتا، حرام کرتا۔ انہوں بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے فضیلت سننے کے بعد زندگی میں ماشاء اللہ میں نے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد چار رکعت میں نے کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ پڑھتے تھے۔
और ज़ोहर को पढ़ने की वजह क्या बोले तो अल्लाह तबारक व तआला ये ज़ोहर के वक्त मतलब ये आसमान के दरवाज़े खोल को रहा था, तो हमारे आमल अल्लाह के पास ज़्यादा रहते, इसलिए अल्लाह के लिए ज़्यादा पढ़ते नमाज। इसी तरह ये जो इसकी नमाज है सुन्नत मौक़ता 10 और 12 बोले ना, सुन्नत मौक़ता कितने हैं 12 और 10 हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु माशाल्लाह हमेशा उसकी पाबंदी करते। तो देखो जनाजे की नमाज़ पढ़ना औरतों के लिए तो मतलब जनाजे के पीछे चल के जाना तो उनका मना है, कब्रस्तान को भी जाना मना है, और अगर कोई रिश्तेदारों में इंतकाल करता है तो अगर वो पाक है मस्जिद को आ सकती है तो आके नमाज़ पढ़ सकती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा नमाज जनाजा में शरीक होता एक बहुत पहाड़ का सवाब, और जाके तदफीन में शरीक हुए तो और एक पहाड़ का सवाब। इन्हों क्या समझ के मालूम है, वो नमाज़ पढ़े तो 2 पहाड़ का सवाब मिलता है। बिल्कुल समझ गए, कौन समझ गए, इब्न उमर। अबू हुरैरा ने कहा, अबू हुरैरा ने कहा इब्न उमर तुम गलती पर हो, वो 2 पहाड़ का सवाब कब मिलता है, तदफीन में भी जाना तुम्हें। यहाँ देखिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर अल्लाह अकबर ऐसा जब ज़मीन पर मार के बोले अल्लाह कितने पहाड़ का सवाब चलेगा ना मेरे ज़िंदगी में, अफसोस कर रहे थे, और उसके बाद बोले कि मदीने में माशाल्लाह ये फजीलत सुनने के बाद एक जनाजा भी नहीं छोड़ा। ऐसा सहाबा का जज्बा इत्तेबा, सहाबा के अखलाक, सहाबा को ज़ौक व शौक़ इबादत का। शुरू में वो ये नमाज़ फ़र्ज हुई थी, कौन सी तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज थी, क्या करते सहाबा सहाबियात ऊपर एक रस्सी बन लेते, रस्सी बनने के बाद अपने सर को बन लेते, नमाज में ऐसा खड़े रहते, अगर वो ऊँग आई तो झटका आता फ़ौरन उठ जाते। क्या सहाबा का ज़ौक व शौक़ था, अल्लाह तबारक कैसे डरते थे। और ये सूरह बय्यिना में अल्लाह चीज़ें फरमाता है, नोट कर रही है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। ये हज़रत सहाबा इकराम से अल्लाह कहीं को राज़ी हुआ बोले तो अल्लाह एक सबब ये बताता है कि उनके अंदर तकवा था। कैसा तकवा, मैं समझता हूँ तकवे के इस मेयार को उम्मत पहुँच भी नहीं सकती। वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम था, हराम कमाई लग खिला दिला था, दल को खै करना शुरू कर डाले, हज़रत उमर का तकवा क्या वाह, उसके बाद सारे सहाबा के तकवा कैसा, माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन तकवे की जो मिसाल सहाबा इकराम ने कायम की, मैं समझता हूँ कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी के इत्तेबा और दीन के लिए क्या क्या मुश्किलात पड़े। कुरान जब आप लेकर पढ़ते ना तो क्या सोचते हैं, आप कुरान जब लेते हैं अपने हाथ में तो कभी सोचते ये कुरान को पाने के लिए नबी ने क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की, क्या तकलीफ़ बर्दाश्त की अल्लाह के नबी कुरान को पाने के वास्ते। ये कुरान अल्लाह बोलता है लव अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरईतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशयतिल्लाह, अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर उतारते कुरान की आज़मत के सामने वो रुकता नहीं था बल्कि वो पूरा फट जाता था अल्लाह के डर से। नबी का जो दिल था ना, वो दिल कैसे था, सोने के तश में रख कर जमजम के पानी से 2 मरतबा धोकर वहाँ रखा गया था। ऐसा मजबूत दिल आसमान से आने वाली वही 23 साल तक 23 ईयर्स आसमान से आने वाली वही को अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त फरमाया, क्या तकलीफ़ होती थी वाह। बोलते हैं सब सर्दी के दिनों में आपके ऊपर पसीना, जैसे ही मतलब आती ना वही, आप क्या, आप जिस जानवर पर बैठे रहते वो जानवर भी मतलब पिदकने लगता था, डरने लगता था, अल्लाह की नहीं पर सख्ती आती थी, वैसा होता था। कभी घंटी की आवाज़ आती, कभी शहद के भिन भिन हट की आवाज़ आती। 23 साल तक आपने बड़ी मुश्किल से उस इल्म को क्या किया, आसमान से आने वाले वही को बर्दाश्त किया। एक मरतबा हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी के रान के नीचे है मेरा हाथ, वही आना शुरू होगी, इतनी सख्ती मेरा हाथ पूरा चिकना चूर हो गया, मैं क्या विश नहीं है चटनी हो गया बोलता ना वैसे हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का खातिमा हुआ तो आपने पूछा ज़ैद क्या हुआ, बोले या रसूलल्लाह जब वही आ रही थी आसमान से मेरा हाथ आपके रान के नीचे था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लाओ, आपने माशाल्लाह अपना मुबारक लुआब और थूक लगाया तो बोलते हैं पहले से अच्छा हो गया। एक सहाबी का वाकया है, कैसे बर्दाश्त किए होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को 23 साल तक अपनी उम्मत के वास्ते। एक तो ये हुआ माशाल्लाह कुरान उतरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हाफिज़ कुरान, जिब्रील हाफिज़ कुरान, सहाबा की याददाश्त भी इतनी अच्छी थी अल्लाह की नई बच्ची जब तब बोलना याद कर लेते बहुत अरब, और आज भी अरब लोग जितने होशियार हैं मैं समझता हूँ दुनिया का कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान तो इंसान जानवरों का नसब भी याद रखते, जानवर अच्छा वो जानवर उसे उन्हें पैदा हुआ हर एक का नाम रखते हुए, इससे ख़तरनाक कौम अरब कौम बहुत ज़बरदस्त कौम, होशियारी में तो उससे आगे कोई भी नहीं।
तो क्या बता रहा था मैं, तो हज़रत साहब इकराम क्या इससे पहले बताइए। हाँ हज़रत बिन साबित, अच्छा कुरान तो आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक उसको बर्दाश्त करते रहे। साहबा इकराम कुरान कैसे लिखे होते, तो कभी पत्तों पर, कभी पत्थरों पर, कभी वो पुराने कपड़े होते ना उसके ऊपर लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर, पूरा कुरान महफूज है। हर साहबी के पास अपना एक कुरान, अल्लाह के नबी क्या बोलते वो लिख लेते। हज़रत उबैय इब्न काब के पास था, हज़रत आयशा के पास था पूरा कुरान। अब जब अबू बकर के ज़माने में एक वाक़या पेश आया, 70 सहाबा एक जंग में मार दिए गए, वो जंग का नाम है यमामा। तो हज़रत उमर जाके बोले 70 सहाबा एक ही वक्त में शहीद हो गए तो मुझे ऐसे लगता है कि कुरान ज़ाया हो जाए। हालांकि कुरान की हिफाज़त का ज़िम्मा कौन ले लिया है, अल्लाह ने ले लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। उसके बाद हुआ क्या, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जाके अबू बकर से बोले इतने लोग शहीद हो गए हैं अब क्या करना। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता अभी क्या करना। ऐसा वाक़ अबू बकर उमर को बोलते समझ में नहीं आता, उमर अबू बकर को समझ में नहीं आता, दोनों मिलकर कई दिन तक अब कुरान को एक जगह जमा करना हमें, इसलिए कि पत्तों में इसमें लिखा हुआ है पूरे चलेगा तो क्या होता। अब जैसे आप हर दिन एक नोट लाते सब पूरा लिखते हैं, आप हर दिन अलग अलग नोट में लिखे तो पूरा इल्म ज़ाया हो जाता। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित को बुलाए जिनका हाथ और रान के नीचे था, तो अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा ज़ैद ये काम करो, कुरान जहाँ जहाँ है वो जमा करो। ज़ैद बोलते हैं अबू बकर उमर की बात सुनकर मुझे तो ऐसे लगा अगर एक पहाड़ की चट्टान को उठाकर दूसरी जगह रखो बोले तो ये काम आसान है, मगर कुरान को जमा करना उतना मुश्किल है। मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। डर गए ना, बाद में ब्रेन वॉश करे अबू बकर उमर भी नहीं होना। माशाल्लाह उमर हज़रत साबित का जहन बना, जहन बनते ही कुरान को जमा करे, क्या मुश्किल जमा करे कुरान को। हमें कुरान पढ़ते ना सोचना ये कुरान जो 30 पारों में है, 114 सूरतों में, 6000 आयतों में ऐसे ही नहीं जमा हुआ। ये अबू बकर ने क्या मेहनत पढ़ी, उमर ने क्या मेहनत पढ़ी, हज़रत अबू बकर ने क्या मेहनत पढ़ी, हज़रत साबित ने क्या मेहनत पढ़ी, माशाल्लाह पूरा कुरान एक जगह जमा हो गया, पूरे पास 21 कुरान। अभी एक मस्जिद में आप लोग नमाज़ पढ़ने आती है, कुरान में पूरे पढ़ सकते नहीं, हो सकता, बड़ी मुश्किल है। उसके बाद उमर का ज़माना आया तो क्या करे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान उमर को दिया ले। उमर क्या करे, अपनी बेटी हफ्सा को दिया ले, मालूम है हफ्सा के पास था कुरान। हज़रत उस्मान का ज़माना आया, इस्लामी फतूहत का दायरा वसी हो गया, कुरान की ज़रूरत है, जैसे मदरसे में बच्चे के तो कुरान होना, बोलते कुरान जब तक नहीं पढ़ सकते। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु आकर बोले मक्का, मदीना, बसरा, इराक, ये शाम, ये पूरे जगह इस्लाम फैल रहा है, 13 साल हुकूमत करे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। तो जब इस्लाम जब फैला कुरान होना बोले तो हज़रत उस्मान क्या करे, हफ्सा के पास से मंगाए वो कुरान जिसको अबू बकर ने जमा किया था, उमर ने हिफाजत से रखा था, तो हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु के अनहा के पास से लेकर माशाल्लाह उसके 10 नुस्खे बनाए। अब 10 नुस्खे बनाए बोले तो ये किताब ले जाके ज़ेरॉक्स की दुकान में ज़ेरॉक्स कर लेते हैं, प्रिंट होता है, ये आज का मामला है। उस ज़माने में 10 नुस्खे बनाना बोले तो इंक कहाँ से मिली रहेगी, पेपर कहाँ से मिला रहेगा, ये 10 नुस्खे बनाने के लिए कितने तकलीफ़ पड़े सहाबा इकराम। 10 नुस्खे बना को अबू बकर हज़रत उस्मान ने पूरे जगह माशाल्लाह फैला दे के हज़रत हफ्सा के पास से जो कुरान लिया माशाल्लाह वापस भी कर दिया। तो ये है सिर्फ मतलब कुरान को जमा करने के लिए सहाबा की मेहनत। और ये बात याद रखो आप, जैसे अल्लाह का एहसान नहीं चुका सकते, सहाबा का मतलब नबी का एहसान भी चुका नहीं सकते, वालिदैन का एहसान भी चुका नहीं सकते। मैं हमेशा सहाबा के बारे में गुफ्तगू में तो ये भी बोलता कि मतलब सहाबा का एहसान भी नहीं चुका सकते हम, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, उसके अलावा उनका एहसान चुकाना मुश्किल है। और खुसूसन आप लोग ख़वातीन हैं, आप लोगों को तो हज़रत आयशा का बहुत एहसान मानना। अगर आयशा ना होती ज़िंदगी के बारे में ना बताती, हैज से मसाइल कैसे समझ में आते, निफास के मसाइल कैसे समझ में आते, इस दिवाजी ज़िंदगी में नबी क्या करते, सहाबा क्या करते, क्या मालूम होता। इसीलिए परसों बोले ना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के इल्म को एक पल्ले में रखो और एक पूरी मुस्लिम ख़वातीन के पल्ले में एक इल्म को रखो, सारी मुस्लिम ख़वातीन का इल्म भी हज़रत आयशा के इल्म के बराबर नहीं हो सकता। ये है, तो आप लोग जब भी करते आयशा के हक़ में दुआ करना, ऐ अल्लाह आयशा से राज़ी हो जा, ऐ अल्लाह आयशा की खिदमत को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह आयशा की तरह हमें बना दे। तो बहरहाल साहब इकराम जो मेहनत पड़े दीन के वास्ते वो हम नहीं कर सकते। इस हदीस पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम मेरे सहाबा को गाली न दो। दे सकते हरगिज़ नहीं, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है।
صحابہ کو گالی دینا قرآن میں عیب نکالے جیسا، صحابہ کو گالی دینا حدیث میں عیب نکالے جیسا، صحابہ کو گالی دینا اللہ کو گالی دے جیسے، یہ اللہ کی اولیاء ہی ہے۔ ارے کون تو بھی جھوٹا ولی رہتا، اسے اسے اٹھا کو بننے کو پوری درگاہ بنا دل کو، اسے گالی دے تو آپ کو اتنا غصہ آتا، آپ لوگ ایک دوسرے لڑنا شروع کرتے۔ وہ صحابہ اللہ کے اولیاء جن سے اللہ راضی ہو گیا، نبی کے صحابہ نے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں، ان کو تو بھی گالی دے ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ گالی نہ دو، اس لیے کہ دیکھو یہ اس لیے کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو، یا آدھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو، ان کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ایسا درجہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کتنا بھی عبادت کر لو، کتنی بھی اتباع کر لو، ہمارے میں نبی صحابہ میں فرق کیا بولے تو، صحابہ اکرام کو نبی کی صحبت مل گئی، اور نبی کی صحبت ایسی صحبت ہے ماشاءاللہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے ان آنکھوں کو جہنم کی اک چھوتی نہیں، صحیح حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے نیکی کا وعدہ فرمایا، مطلب یہ ہے کہ مطلب ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو پورا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے آئیڈیل سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی نے صحابہ کی شکل میں جو جماعت چھوڑی وہ صحابہ کی جماعت ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ لوگ صحابہ صحابہ کثیر ہمیشہ پڑھتے رہو، اپنے بچوں کو بھی دیتے رہو، میں سمجھتا ہوں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو قرآن کو سمجھنے میں کامیابی ملتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت چھوڑے اس کو نبی کی سیرت اور احادیث سمجھنے کے لیے صحابہ کی ماشاءاللہ مثال ملتی ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔